हेलो एवरीवन वेलकम बैक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक एल्गोरिदम और ये वीडियो जो है हमारी मशीन लर्निंग टेक्निक्स की प्लेलिस्ट की और हमारी यूनिट फाइव की लास्ट वीडियो है और इसी के साथ ही जो है हमारा मशीन लर्निंग का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है और हमारी जो इस पूरी प्लेलिस्ट की सबसे फर्स्ट यूनिट थी फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने पूरा एजेंडा डिस्कस किया था कि इन पाँचों यूनिट के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं और किस तरीके से हम सभी एल्गोरिदम्स और सभी मशीन लर्निंग के टाइप्स चाहे वो सुपरवाइज्ड लर्निंग हो अनसुपरवाइज लर्निंग हो या फिर री इन्फोर्समेंट लर्निंग हो उन सभी को डिस्कस करते हुए उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उनके रियल लाइफ एप्लीकेशंस की वो कहाँ पे यूज़ होती है उन सभी को डिस्कस करते हुए हम इस प्लेलिस्ट को एंड करेंगे स्टार्ट करते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम के इंट्रोडक्शन के साथ तो जेनेटिक एल्गोरिदम जिसे हम जी के नाम से भी एब्रीवेट करते हैं ये बेसिकली आपकी थ्योरिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है जो कि इंस्पायर्ड होती है एक बायोलॉजी के प्रोसेस से जिसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन अब इन नेचुरल सिलेक्शन का जो बायोलॉजी का प्रोसेस है अब आप इस एल्गोरिदम के नाम से अगर समझेंगे जेनेटिक एल्गोरिथम तो इसमें कॉमन वर्ड आ रहा है जीन तो ये जो जीन है ये जो हम बोलते हैं कि पेरेंट्स के जीन्स बच्चे में ट्रांसफ़र हुए तो उसी पे जो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है उसी को जो है यहाँ पे मशीन लर्निंग के थ्रू एल्गोरिदम के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है कि किसी पेरेंट क्लास किसी पेरेंट ऑब्जेक्ट के जो हमारे फ़ीचर्स हैं जो पैरामीटर्स हैं उसका कुछ प्रोसेस उसकी कुछ ऑप्टिमाइजेशन करके एक नई क्लास बनाई जा सके एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जा सके जिससे जो है हमारे एलगोरिदम के हमारे मशीन के ट्रेड्स जो हैं अच्छे हो यानी कि हमारी एल्गोरिदम और मशीन से इम्प्रूव करें जैसे हमारे ह्यूमंस जो है जी जेनेटिकली इम्प्रूव करते आ रहे हैं तो ये जो है जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है बायोलॉजी का उससे जो है हमारा जेनेटिक एल्गोरिदम का प्रोसेस इंस्पायर्ड है अब ये जो एल्गोरिदम है ये हम यूज़ करते हैं टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशंस टू ऑप्टिमाइजेशन तो इस प्रॉब्लम या फिर हम बोल सकते हैं ये जो हमारा सोल्यूशंस है जेनेटिक एल्गोरिदम का ये बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है ये यूज़ होता है हमारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में जहाँ पे भी हमारी कुछ सर्च प्रॉब्लम होती है तो आपने जेनेटिक अलगोरिदम की यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है यूरिस्टिक ऑप्टीमाइजेशन टेक्निक तो यूरिस्टिक जो है बेसिकली एक सर्चिंग टेक्निक का नेम है और यूरिस्टिक सर्चिंग टेक्निक या फिर कोई भी जनरल ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे सर्चिंग का यूज़ हो रहा है यानी कि सर्च करते हैं हम किसी आइटम को किसी ऑब्जेक्ट को और वहाँ पे अगर हमें उस एल्गोरिदम को ऑप्टिमाइज़ करना है तो वहाँ पे हम जेनेटिक एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे अब जेनेटिक एल्गोरिदम जो है ये पर्टिकुलरली बनाई गई हैं ऑप्टिमाइजेशन मैथड्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन मेथड अब कहाँ पे यूज़ होंगे ये वहाँ पे यूज़ होंगे जहाँ पे हमारी एल्गोरिदम बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी या फिर डिफ़िकल्ट टू अप्लाई होगी फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं एक ऐसी एल्गोरिदम है जो कि किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर आइटम में से किसी पर्टिकुलर एक वेरिएबल किसी पर्टिकुलर एक आइटम को हमें सर्च करके देगी। बट वो एल्गोरिथम जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और उसे अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और थ्रू कोडिंग। तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए यानी कि वो टाइम हमारा ज़्यादा ना लगे और हमारी एलगोरिदम जो है इजीली अप्लाई भी हो जाए तो जो हमारी पुरानी एल्गोरिदम्स हैं सर्चिंग की उन एलगोर्दम्स पे जो है हम जेनेटिक एलगोर्दम अप्लाई करेंगे और जेनेटिक एल्गोरिदम्स जो है उन पुरानी एलगोरिदम्स के ट्रेड्स को या फिर उनके पर्टिकुलर नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को एब्ज़ॉर्ब करेगी मल्टीपल सर्चिंग एलगोरिदम्स के और उनको जो है फिर एक नई एल्गोदम हमें बना के दे देगी तो इससे क्या होगा सपोज़ मेरी दो एल्गोरिथम्स थी ए और बी ए जो थी मेरी टाइम कंज्यूमिंग नहीं थी वो फ़टाफट मुझे सर्चिंग करके दे देती थी बट जो मेरी बी एल्गोरिदम है वो टाइम कंज्यूमिंग है बट वो अप्लाई करना ईजी है तो उन दोनों एल्गोरिथम्स को कम्बाइन कराने के लिए मैं जेनेटिक एल्गोरिदम का यूज़ करूँगा और जेनेटिक एलगोरिथम दोनों के बेस्ट ट्रेड्स यानी कि दोनों की जो बेस्ट या फिर खास बात है जैसे कि ए के अंदर मेरा टाइम कंज्यूम नहीं होता और बी जो है मेरी इजीली अप्लाई हो जाती है तो दोनों एल्गोरिथम्स को कंबाइन करके एक नई एल्गोरिथम बना देगा और वो एल्गोरिदम बनेगी हमारी जेनेटिक एल्गोरिथम के थ्रू जिसके थ्रू जो है हमारी एल्गोरिथम्स ऑप्टिमाइज़ की जाती हैं अब ये जो बेसिक आइडिया है हमारे जेनेटिकल्गोदम का ये सिंपल सा है कि हमें नेचुरल सेलेक्शन के प्रोसेस को यूज़ करना है बाय इवॉल्विंग ए पॉपुलेशन ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशंस ओवर मल्टीपल जनरेशंस अब है तो ये थोड़ी बायोलॉजिकल टर्म बट अगर आप इसको मशीन लर्निंग के लैंग्वेज में समझेंगे तो जेनेटिक एल्गोरिदम को आज डेवलप करने का प्रोसेस है वो इतना सा है जो हम मॉडल बनाएंगे उसके अंदर इस तरीके से होना चाहिए जो हमारी पॉपुलेशन है पोटेंशियल सोल्यूशनस की पॉपुलेशन यानी हमारी एंट्रीज या फिर मल्टीपल एल्गोदम्स एग्जाम्पल से समझते हैं अभी मैंने आपको बताया दो एल्गोरदम्स थी मेरी फर्स्ट जो कि टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं करती थी सेकेंड जो कि अप्लाई करना ईजी थी तो so, दो एलगोरिदम्स मेरी क्या हो गई इन दोनों को हम बोलेंगे पॉपुलेशन और पोटेंशियल सोल्यूशनस क्या पे potential हो गए यहाँ पर हमारे पोटेंशियल सोल्यूशन हो गए टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और इजी टू अप्लाई है तो वो जो पोटेंशियल सोल्यूशन की पॉपुलेशन वाली एलगोरिदम्स है उनको हमें इवॉल्व करना है इवॉल्व करना है यानी कि उन एल्गोरिदम्स का ऑप्टिमाइज करना है उन एल्गोरिदम का बेस्ट वर्जन हमें एक्सट्रैक्ट आउट करना है थ्रू जेनेटिक एल्गोरिदम और ये यहाँ पे क्लाइन लिखी हुई है ओवर मल्टीपल जनरेशन तो इस मल्टीपल जनरेशन का मीनिंग है कि हमें बार बार वो प्रोसेस करना है जब तक हमें बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिल जाता अब ये जो मैंने यहाँ पे अभी कुछ टर्म्स यूज की पॉपुलेशन जनरेशन नेचुरल सलेक्शन इन सभी को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये सभी हमारे पार्ट होते हैं कॉम्पोनेंट्स का तो अब हम डिस्कस करने वाले की कॉम्पोनेंट्स ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम सबसे पहला इंपॉर्टेंट और मेजर कॉम्पोनेंट आता है इसका इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन जैसे हमने पुराने एल्गोरिदम्स में पढ़ा था सेम उसी तरीके से है इसके अंदर ए पॉपुलेशन ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशंस यानी कि पोटेंशियल सॉल्यूशंस की जो पॉपुलेशंस होगी अभी मैंने आपको बताया एग्जांपल्स के थ्रू अब वो जो पोटेंशियल सोल्यूशंस की पॉपुलेशन है वो दो हो सकते हैं इंडिविजुअल या फिर क्रोमोजोम अब अगेन ये सभी बायोलॉजिकल टर्म है बट इनको जो हम अभी डिस्कस करेंगे कॉम्पोनेंट्स के अंदर तो उनको जो है यानी उनकी कुछ वैल्यूज को रैंडमली जनरेट किया जाएगा यानी कि इनिशियलाइज किया जाएगा अब सेकंड आता है सिलेक्शन का प्रोसेस सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर क्या होगा जो हमारी पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स थे इंडिविजुअल्स क्या है उनकी वैल्यू उनकी खास बात उनके बेस्ट ट्रेड्स उनको जो है अब हमें सेलेक्ट करना है और अब हम उनका फिटनेस चेक करेंगे जैसे ह्यूमंस के अंदर बी एम आई एक पैरामीटर होता है बॉडी मास इंडेक्स जो कि ह्यूमन की बॉडी और बॉडी वेट और हाइट के अकॉर्डिंग उसकी फिटनेस बताता है तो इसी तरीके से हमारी एल्गोरिदम के अंदर कौन सा ट्रेड कौन सा एलिमेंट हमारा बेस्ट होने वाला है बेस्ट पोटेंशियल सॉल्यूशन वाला वो एलिमेंट है ये कैसे पता करेंगे ये हम पता करते हैं फ़िटनेस स्कोर के थ्रू तो यहाँ पे फिटनेस स्कोर का एक फंक्शन होता है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे तो इंडिविजुअल्स यानी कि एलिमेंट्स उस पूरे पॉपुलेशन यानी कि सेट में से उसको अब हम सेलेक्ट करेंगे और उसके अब फिटनेस टेस्ट करेंगे अब फिटनेस क्या हमें बताएगी फिटनेस हमें बताएगी मेजरमेंट अब वो मेजरमेंट क्या होगी कि हाउ वेल दे सॉल्व द प्रॉब्लम यानी कि वो जो हमारा एलिमेंट है वो कितना बेस्ट हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकता है अब ऑब्वियसली बात है द मोर फिट इंडिविजुअल्स ए हाइय चांस ऑफ बींग सेलेक्टेड तो जिसका हमारा फिटनेस स्कोर सबसे ज्यादा होगा जिस एलिमेंट का उसको हम पिक कर लेंगे यानी कि उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे अब वो जो हमारा एलिमेंट हमने पिक किया सेलेक्ट किया अब हमारा काम आता है क्रॉस ओवर का क्रॉस ओवर यानी कि रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा अब कुछ पेयर्स होंगे सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स के जो कि क्या करेंगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे टू तो क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स और बायोलॉजी के टर्म में बात करें तो न्यू ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है एक मेल एग और एक फीमेल एग दोनों कंबाइन होते हैं और एक नया ऑफ स्प्रिंग यानी कि एक नया एग जनरेट करते हैं जिससे न्यू बेबीज जो है प्रोड्यूस होते हैं इसी तरीके से मशीन लर्निंग के अंदर दो पर्टिकुलर एल्गोरिदम्स में से दो पर्टिकुलर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स में से बेस्ट पोटेंशियल यानी कि हाइयर फिटनेस स्कोर वाले दो एलिमेंट्स आएंगे अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे और एक नया इंडिविजुअल क्रिएट करेंगे नया ऑफस्प्रिंग क्रिएट करेंगे अब ये जो हमारा प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं एनालॉगस प्रोसेस और ये एनालॉगस प्रोसेस जो है इसे हम बोलेंगे क्रॉसओवर कि बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है क्रॉस ओवर हो रही है यानी कि इंटरचेंज हो रही है और इसी चीज़ को जो है बायोलॉजी के अंदर एक टर्म दी जाती है बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन क्लियर अब फोर्थ कॉम्पोनेंट इसका जो आता है वो आता है हमारा म्यूटेशन म्यूटेशन के अंदर क्या होगा रेंडम चेंजेस इंट्रोड्यूस होंगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन में जो इंडिविजुअल्स अभी आपस में क्रॉस ओवर किए थे और नया ऑफ बनाया गया था अब जब नया ऑफस्प्रिंग बन गया यानी कि एक नया इंडिविजुअल क्रिएट हो गया तो उसके अंदर भी तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो बिकॉज मशीन एक नई एल्गोरिदम एक नया प्रॉपर सेट बना रही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने के लिए तो पॉसिबिलिटी है कि मशीन जो है एल्गोरिदम इतनी एफिशेंटली इतनी अच्छी ना बना पाए तो कुछ रैंडम चेंजेस हम करेंगे जिसे हम बोलेंगे म्यूटेशन अब वो किस में होगी म्यूटेशन ऑफ के अंदर क्यों टू एड डाइवर्सिटी यानी कि और जितनी भी अपकमिंग प्रॉब्लम हो सकती है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ताकि वो उनको भी सोल्व कर सके अब मैंने बोला उनसे भी रिलेटेड रिलेटेड कैसे होंगे यानी कि उसी पॉपुलेशन के सेट का वो एट्रीब्यूट यानी या फिर प्रॉब्लम होंगी और अभी मैंने आपको बताया ये स्टेप क्यों इम्पोर्टेंट है ताकि न्यू रीजन्स जो हो सकते हैं उस सोल्यूशन स्पेस के यानी कि न्यू प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी जो है ताकि हमारी एल्गोरिदम दे पाए उसके बाद का कंपोनेंट आता है इवेल्यूएशन इवेल्यूएशन में क्या होगा अब जो हमारा नया इंडिविजुअल बना उसका फिटनेस स्कोर भी जो है होगा और उस फिटनेस स्कोर के बेस पे जो है हम कुछ इवेल्यूएट कर सकते हैं या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाउ वेल दे सॉल्व द प्रॉब्लम कि वो कितना अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हमारे सुपरवाइज और अन मशीन लर्निंग के मॉडल के अंदर हम कैसे चेक करते थे कि मॉडल हमारा एक्यूरेट है या नहीं वो चेक करते थे मॉडल की एक्यूरेसी से बट जेनेटिक एल्गोरिदम के अंदर उस एक्यूरेसी को हम पैरामीटर या फिर मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिटनेस स्कोर वाया फिटनेस फंक्शन उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट अब रिप्लेसमेंट जो है आपका एक कॉम्पोनेंट होता है जिसके अंदर नए इंडिविजुअल जो है रिप्लेस करते हैं किसी लेस फिट इंडिविजुअल्स को पॉपुलेशन के अंदर अब सबसे पहले जो इसके अंदर हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे इनिशियलाइजेशन सिलेक्शन और क्रॉस ओवर अब उन तीनों के अंदर मैंने बेस्ट सॉल्यूशन वाले उठाए थे बट हो सकता है कि वो बेस्ट सॉल्यूशन वाले या फिर बेस्ट आइटम पिक ना हो तो बेस्ट आइटम पिक अगर नहीं होगा तो इवेल्यूएशन स्टेप के बाद जो है रिप्लेसमेंट स्टेप आएगा जिसके अंदर क्या होगा हमारे कम फिटनेस स्कोर वाले जो इंडिविजुअल्स आइटम होंगे पॉपुलेशन सेट में से वो रिप्लेस हो जाएंगे और फाइनल स्टेप आता है टर्मिनेशन टर्मिनेशन के अंदर क्या होगा हमारी एल्गोरिदम जो है रिपीट करते रहेगी सेम प्रोसेस को सिलेक्शन क्रॉसओवर म्यूटेशन इवेल्यूएशन और रिप्लेसमेंट के प्रोसेस को जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता हमारी कंडीशन मेट नहीं कर जाती अब कंडीशन हमारी क्या होगी हमारा बेस्ट फिटनेस स्कोर यानी कि एक सेटिसफेक्ट्री सॉल्यूशन हमें नहीं मिल जाता तब तक जो है हम पाँचों छः स्टेप्स को कंटिन्यूसली रिपीट करते रहेंगे मूव ऑन करते हैं एप्लीकेशंस की तरफ़ जेनेटिक एल्गोरिदम की कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो मार्केट में यूज़ होती है बट करंट नॉन और बेस्ट एप्लीकेशंस हैं हमारी रोबोटिक्स रोबोटिक्स के अंदर जो है जेनेटिक एल्गोरिदम का यूज़ होता है कहाँ पर यूज़ होता है डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइज द रोबोट बिहेवियर्स रोबोट के बिहेवियर को काइनामेटिक्स को या कानामेटिक्स यानी उसकी मूवमेंट को और कंट्रोल पैरामीटर्स को किस तरीके से हम रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं उन सभी सॉल्यूशंस को या जो हमारे रोबोट के कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं उन सभी को सॉल्व करने के लिए जेनेटिक एल्गोरिज्म का यूज़ किया जा सकता है देन आता है फाइनेंस के अंदर अब फाइनेंस के अंदर भी आप देखेंगे पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन जो भी फाइनेंस के पोर्टफोलियोज होते हैं जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट यानी कि किसी पर्टिकुलर फाइनेंस रिलेटेड रिस्क उसमें क्या क्या है उसको अगर डिटेक्ट करना है उसकी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इसको डिटेक्ट करना है और उन एलगोरिदम्स को अगर ऑप्टिमाइज़ करना है तो वहाँ पे हम जेनेटिक एलगोरिदम्स का यूज़ कर सकते हैं और जेनेटिक एलगोरिदम क्या करेगी सबसे पहले अडेप्ट करेगी पुरानी एल्गोरिदम्स को और फिर जो ट्रेडिंग रूल्स हैं उसको जो है वो इवॉल्व कर देगी बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा एंड करंट मार्केट कंडीशंस उसके बाद हमारी थर्ड और फाइनल एप्लीकेशन आती है हमारी नेटवर्क डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन अब नेटवर्क डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ये रिलेट करता है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के सब्जेक्ट के साथ अब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे मल्टीपल कंप्यूटर्स या फिर मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं ओवर द नेटवर्क ग्लोबली वो जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो वो जो कम्युनिकेशन या फिर नेटवर्क बिल्ड किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क्स के सब्जेक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर उनके अंदर जो एल्गोरिथम्स यूज होती है कम्युनिकेशन एल्गोरिदम्स या फिर नेटवर्क के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने की एलगोरिदम्स उसके लिए भी जो है हम क्या करेंगे नेटवर्क डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए एल्गोरिदम्स के टास्क को इम्प्रूव करने के लिए और हमारे टाइम कंजपशन को कम करने के लिए कि हमारा फास्टली और एफिशिएंटली हमारा मॉडल हमारे डिवाइसेस कम्युनिकेट कर पाए उसके लिए जो हम यहाँ पे अगेन जेनेटिक एल्गोरदम्स का यूज़ कर सकते हैं तो इसी के साथ जो है हमारी फिफ्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक जेनेटिक एल्गोरिदम डिटेल में विद एप्लीकेशन विद उसके की कॉम्पोनेंट्स हमने डिस्कस किया और इसी के साथ जो है हमारी सारी पाँचों यूनिट और मशीन लर्निंग के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सभी को जो है थियोरटिकली और प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स और कैसे उनकी कैलकुलेशंस होती है मॉडल्स के अंदर या के कौन कौन से फंक्शंस यूज़ होते हैं मशीन लर्निंग के मॉडल्स के अंदर एल्गोरिदम्स के अंदर उन सभी को हमने डिस्कस किया एंड अगेन पाँचों यूनिट जिसके अंदर हमने सुपरवाइज अनसुपरवाइज री इन्फोर्समेंट डीप लर्निंग जेनेटिक एल्गोरिदम जैसे सभी टॉपिक्स को कवर किया है एंड आप इंटरव्यूज़ के लिए भी जो है इस प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली फॉलो कर सकते हैं बिकॉज़ वो सभी कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं जो कि इंटरव्यूज़ में आस् कर किए जाते हैं या फिर आस्क हो सकते हैं बिकॉज़ चाहे वो डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट मशीन लर्निंग डेटा इंजीनियर इन सभी के अंदर जो है बेसिक मशीन लर्निंग का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उन सभी चीज़ों को जो है आप इस प्ले लिस्ट के साथ सीख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं